अनुराग ठाकुर जी ने मुझे गाली मुझ पर गाली दी है, नहीं कोई मुझे, मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा, मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप पूछ के दिखाओ जाति को। स्पीकर सर, इस दे सर माइक नहीं, सर माइक, एक माइक यहाँ से नहीं जाती। सर मैं जो भी तो माइक आ जाएगा। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद गौरव, धन्यवाद श्री अनुराग ठाकुर जी। गौरव जी आपको हमने समय दीजिए, खत्म हो जाएगा सर। श्री राहुल गांधी, खत्म हो जाएगा सर। श्री राहुल गांधी राहुल गांधी जी, ये तय कर ली मुझे, जब जब आप चाह रहे हैं मैं आपको बोलने का अवसर दे रहा हूँ। हाँ, तो कम से कम गौरव जी आपके बोलने के बाद ऐसी परिस्थिति न क्रिएट करें कि सदन, स्पीकर सर, सदन को चलाने की जिम्मेदारी जितनी सत्ता पक्ष की है उतनी प्रतिपक्ष भी है। अनुराग ठाकुर जी ने मुझे गाली मुझ पर गाली दी है, नहीं कोई मुझे अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं, मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा, मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। क्या तरीका सभापति महोदय, मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है, माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत शकुनी ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है वे। केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए, बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप पूछ के दिखाओ जाति को, आप जाति कैसे पूछोगे, तुम कैसे पूछोगे जाति, नहीं जाति नहीं पूछ सकते आप। आपने कह दिया ना, अब आप हमारी जाति नहीं पूछ सकते, हमारी व्यवस्था सुन लो। अनुराग ठाकुर जी ने मुझे गाली मुझ पर गाली दी है, नहीं कोई मुझे, मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा, मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप पूछ के दिखाओ जाति को। स्पीकर सर, इस सर माइक नहीं, सर माइक, एक माइक यहाँ से नहीं जाती। सर मैं नाम जो भी तो माइक आ जाएगा। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद गौरव, धन्यवाद श्री अनुराग ठाकुर जी। गौरव जी गौरव जी आपको हमने समय दीजिए, खत्म हो जाएगा सर। श्री राहुल गांधी, खत्म हो जाएगा सर। श्री राहुल गांधी प्लीज, राहुल गांधी जी ये तय कर ली मुझे, जब जब आप चाह रहे हैं मैं आपको बोलने का अवसर दे रहा हूँ। हाँ सर, तो कम से कम गौरव जी आपके बोलने के बाद ऐसी परिस्थिति न क्रिएट करें कि सदन, स्पीकर सर, सदन को चलाने की जिम्मेदारी जितनी सत्ता पक्ष की है उतनी प्रतिपक्ष भी है। अनुराग ठाकुर जी ने मुझे गाली मुझ पर गाली दी है, नहीं कोई मुझे, सर मुझे बोले,
सर, सर अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं, मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगू, मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। क्या तरीका सभापति महोदय, मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है, माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत शकुनी ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है वे। केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए, बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप पूछ के दिखाओ जाति, तुम आप जाति कैसे पूछोगे, तुम कैसे पूछोगे जाति, नहीं जाति नहीं पूछ सकते आप। आपने कह दिया ना, अब आप हमारी जाति नहीं पूछ सकते, हमारी व्यवस्था सुन लो।